तो हाउ आर यू? दिस इज मनीष एंड मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका समय यूटिलाइज हो, और जिस समय माने आप अपने रेगुलर लाइफ में थे और आप कुछ करना चाहते थे कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ अगर मेरे को थोड़ा समय मिल जाए, तो आज वो समय है आपके पास जिससे आप वो चीज़ कर सकें जो आप हरदम करना चाहते थे। आप अगर क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिविटी के फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। आज का वेबिनार, कई चीज़ें ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी अगर लॉकडाउन हुआ है तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो लॉकडाउन नहीं हुई है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दोनों वैसे के वैसे ही हैं। हमारी क्रिएटिविटी लॉकडाउन नहीं हुई है, हम क्रिएटिव बन सकते हैं, हम क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। हम अगर खाना बनाने की हमारी हरदम इच्छा रहती थी तो हम आज लंच या डिनर में अपने वाइफ का या अपने घर वालों का हेल्प कर सकते हैं। नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, गाना गा सकते हैं। मन में जिस प्रकार की इच्छा हरदम रही होगी कि मैं ये करूं, मैं चाहे वीडियो बनाऊं, चाहे लोगों से बात करूं, अपने दोस्तों से कनेक्ट करें, वीडियो चैट करें, वीडियो गेम खेलें, बहुत कुछ जो है आपके मन में रही होगी, उन सब को आप पेन डाउन कीजिए और कीजिए। लॉकडाउन सब कुछ नहीं हुआ है, और हमारे ये जो पॉज बटन दब गया है, इसके लिए बहुत आपको आशान्वित रहना है कि हम एक बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ वापस उठ के खड़े होंगे। जैसे कि वर्ल्ड वार के बाद जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में खड़ी हुई थी। मैं चलो जापान की बात, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, पर अगर हम अपने देश में सूरत जो गुजरात की छोटी सी सिटी है उसके बारे में बात करें, उसमें एक महामारी फैली थी प्लेग करके, जबरदस्त तरीके से पूरी सूरत इधर से उधर माने प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। उस समय जब प्लेग हुआ था, उसके बाद से सूरत एक ब्यूटीफुल सिटी हो गई। इतनी क्लीननेस है, इतना प्रॉपर उसका मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सूरत मैनी फोल्ड्स आज एक हब हो चुका है। तो ऐसे ही कई एग्जांपल्स हैं, और हम भी वैसे ही खड़े होंगे। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये शायद, जिसको अगर आप बोलें कि बैड न्यूज़ में बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं। तकलीफ़ है पर हम निकल जाएंगे तकलीफ से, और बहुत ताकत के साथ निकलेंगे। इतना मूरा विश्वास रखिएगा और अपने पर विश्वास रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।